तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीमिंग ब्लॉगर। तो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस, अभी हैं हम हमारे शहर से तकरीबन 13 से 14 15 किलोमीटर के समथिंग में। एक बहुत ही बढ़िया प्लेस है बचई। बचई गांव है, शहर है, जो भी है भाई है, लेकिन बहुत ही बढ़िया प्लेस। आप मेरे पीछे देख सकते हो, अभी हम एक पहाड़ी पर हैं जहाँ पर दुर्गा माता का मंदिर है। ये देख सकते हो, यहाँ पर है मंदिर। तो हम यहाँ से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं आज। तो हम हैं बचई में गाइस, और मेरे पीछे आप जंगल देख सकते हो। ये देख सकते हो व्यू भाई, बहुत ही तगड़े वाले व्यू आ रहा है। तो मैं यहाँ से आया हूँ ऊपर, तो गाड़ी हमने वहाँ नीचे अपनी बाइक पार्क कर दी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है गाइस, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से बाइक हमारी चढ़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, आप देख सकते हो। तो चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको मंदिर। तो ये मंदिर है बचई में, तो आप लोकेशन चेक आउट कर सकते हो मैप में। तो बहुत ही सुंदर मंदिर है, और बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर ये मंदिर स्थित है। और देखिए, शुरू मंदिर की शुरुआत हो जाती है, यहाँ पर कोई भगवान विराजमान है। तो जय हो सबको, हम शीश नवाते हुए आगे की तरफ चलते हैं। और ये देख सकते हो आप, यहाँ से ये दीवार उठी है, और व्यू देखिए भाई आप, बहुत ही तगड़ा वाला व्यू यहाँ से आ रहा है। तो वो सड़क आई है यहाँ पर, ये गांव से निकलकर यहाँ ऊपर तक, यहाँ से ये सड़क आई है। तो आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। तो हमको आ गए हुए यहाँ पर हो चुका है तकरीबन आधे घंटे से हम ऊपर हैं, और अब हम ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। देख सकते हो मैंने चप्पल जूते भी नहीं डाल रखे हैं। तो आपको मंदिर दिखाते हैं। तो ये रहा भाई मंदिर माँ दुर्गा जी का। तो अंदर माँ विराजमान है, और एक तरफ ये देख सकते हो, ये शायद पुरानी मूर्ति है ये वाली। तो ये है पुरानी वाली प्रतिमा, यहाँ पर दोनों शेरों के बीच माँ विराजमान है, आप देख सकते हो। तो ऊपर चल रही है सब धुलाई, तो हम ऊपर जा नहीं रहे हैं। तो उन्हीं के सामने विराजमान है, ये देख सकते हो भैरव भगवान, और पीछे उनके आप भी देख सकते हो, ये रहे भैरव भगवान। और यहाँ पर विराजमान है हमारे दादाजी। तो जय हो प्रभु। तो आपको मंदिर के पीछे का व्यू दिखाता हूँ। तो मैंने कल ही अपने वैक्सीन का पहला डोज लगवाया है, तो इसी कारण से थोड़ा सा भाई हल्का हल्का फीवर महसूस हो रहा है शरीर में। तो अभी चलते हैं हम मंदिर के पीछे की तरफ। ये देख सकते हो यहाँ पर विराजमान है बम बम भोले, हमारे भोलेनाथ। तो जय हो बाबा महाकाल की जय हो। तो ये है मंदिर के पीछे का व्यू, और यहाँ देख सकते हो ये मंदिर का बैक साइड है भाई। और ये मंदिर के पीछे बिल्कुल लगकर जंगल लगा हुआ है, सकते हो बहुत ही घना जंगल बरसात के समय का। जंगल ही जंगल, और यहाँ पर बैठने के लिए चेयर्स वगैरह भी लगाई गई हैं मंदिर के ऊपर। वहाँ भी देख सकते हो आप, तीन चार जगह चेयर हैं लगाई गई हैं। तो बहुत ही बढ़िया हवा चलती होगी यहाँ पर। तो गाइस, आज है संडे, तो हमने सोचा घर पर बैठे हैं, तो तकरीबन हमारे घर से 12 से 14 किलोमीटर के समथिंग में ये प्लेस है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका ब्लॉग शूट कर लिया जाए। बहुत ही बढ़िया ये जगह है, और यहाँ पर देख सकते हो ये कुछ हुएनुमा की तरह दिखने वाला यहाँ पर बनाया गया है। ये कुछ तरफ भी है, वहाँ पर देख सकते हो वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो ये रहा व्यू, और वहाँ पर है गाइस शुगर मिल, बचई की शुगर मिल। और ये बसा हुआ है पूरे यहाँ से लगाकर वहाँ तक पूरा बचई। और यहीं पर मौजूद है एक डैम, तो चलेंगे वहाँ पर डैम। मैं जो हमारा
दो प्लेस थे कवर करना, एक ये माँ दुर्गा जी का मंदिर जो कि यहाँ का व्यू बहुत ही बढ़िया आता है, आप संडे या कभी भी अपनी छुट्टी के समय में यहाँ पर आकर एंजॉय कर सकते हो यहाँ की वादियों को। ये देख सकते हो आप कितनी सुंदर वादियाँ और बहुत ही सुंदर हवा चल रही है भाई, क्या कहने हवा के, बहुत ही सुंदर व्यू आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। नीचे देख सकते हो कुछ तालाब वगैरह बने हुए हैं, तो ये है भाई बहुत ही सुंदर व्यू। तो आप यहाँ पर आ सकते हो और बहुत इंजॉय कर सकते हो, फैमिली के साथ आ सकते हो। इस पूरा व्यू देखने के बाद अब हम चल रहे हैं नीचे और देख सकते हो आप मेरे पीछे ये रहा मंदिर गाइस, और यहाँ से दिखने वाली वादियाँ ये देख सकते हो बहुत ही सुंदर ये दृश्य। और ये सड़क बहुत ही खड़ी है भाई, आपके पास 100cc से ऊपर की बाइक अगर है तो आप यहाँ पर ऊपर बाइक ला सकते हो भाई। 100cc की बाइक को चढ़ाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, तो इतना सुंदर व्यू है मेरी से देख सकते हो आप। तो कैसा लगा आपको मंदिर और ऊपर का व्यू, तो आइए आप यहाँ पर। तो भाई हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि बहुत ही खड़ी चढ़ाई थी, देख सकते हो भाई जंगल है पूरा यहाँ से लग के, ये पूरा एक पहाड़ है भाई यहाँ से लगा के वहाँ तक जंगल है, और ये ऊपर है मंदिर। तो सड़क बनी है, सीढ़ियाँ नहीं बनाई गई हैं क्योंकि सड़क आराम से चढ़ सकते हैं हम ऊपर आकर ऊपर से। तो नीचे खड़ी है हमारी बाइक, यही व्यू देखने के लिए मैं यहाँ पर आया था। तो ऊपर से जो नज़ारा दिखता है ना, इन्हीं के तो हम दीवाने हैं गाइस, दीवाने हैं हम इन्हीं नज़ारों के। तो चलिए चलते हैं घर, और कैसी लगी आज की आपको मेरी ये ब्लॉग, अगर ब्लॉग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, प्रेस द बेल आइकन। नेक्स्ट टाइम दिखाएंगे आपको डैम जाकर, तो शाम का वक्त हो चुका है, तकरीबन बज चुके हैं 6 गाइस, तो वहां पर जंगली जानवरों का आने का खतरा बढ़ जाता है, और वहां पर टाइम वहां पर जंगली जानवर आते हैं। तो लोगों ने मुझको मना किया, यहां पर मैंने पता किया कि मुझको डैम जाना चाहिए कि नहीं, तो लोगों ने मना किया कि आप वहाँ पर मत जाइए इतने समय, और बदल पहले ही से है गाइस, तो पानी गिरने के भी चांस बहुत ज़्यादा है। तो निकलते हैं अब हम घर, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल में। तो